आज हम काजू कतली बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने काजू लिए हैं। उसे सबसे पहले आप वेट नेपकिन में इस तरह पोंछ लीजिए, तो उसके ऊपर का जो लेयर रहता है वो क्लीन हो जाता है। उसके बाद 1 घंटे के लिए उसे हम फ्रिज में रख देते हैं, जिससे देखिए ये आवाज़ आ पा रहे हैं ना, और अच्छा कड़क हो जाएगा। 1 घंटे के बाद हम इसे मिक्सी जार में डाल देते हैं। इसे हमने कोसली ग्राइंड करना है कि इसका घी रिलीज ना हो जाए। देखिए ये कुछ इस तरह, ये मेरा मिक्सर बराबर है। मोटे तले का पैन लेती हूँ, 3/4 कटोरी शक्कर, 3/4 कटोरी पानी। इसकी हमें कोई भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी, केवल मेल्ट करना है। देखिए शक्कर मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें ये जो चूड़ा किया था उसे पूरा डाल देती हूँ। एकदम लो फ्लेम पे अभी हमें हिलाना है। आपने देखा थोड़ा क्लीन हो गया। अगर इसे हम वेट टॉवल से पोंछ लेते हैं तो ऊपर का कचरा निकल जाता है और काजू कतली एकदम सफेद हो जाती है। इसे हमें कंटिन्यू चलाना है जब तक रोटी बनाते हैं ऐसा डो न बन जाए। इस वक्त हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए बबल्स आ रहे हैं इसमें, ये इसकी निशानी है कि इसने पैन छोड़ दिया है। अभी इसे हम गैस के नीचे रख के कंटिन्यू चलाएंगे। बहुत कम इलायची का पाउडर, कलर ख़राब ना हो ध्यान से। बहुत जन इसमें गुलाब जल भी डालते हैं, यह अपनी पसंद है। अगर आप केसर की बनाना चाहते हो तो केसर डाल सकते हैं। इसे मैं नीचे उतार रही हूँ। अब इसे हमें कंटिन्यू चलाना है जिससे इसमें लम्प्स ना हो। थोड़ा सा घी डाल के इसे मैं जमा कर रही हूँ चारों तरफ से। थोड़ी शाइन आ जाती है घी से। से देखे इसने पैन में पूरा इसे छोड़ दिया है, कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं होता है। बस इसी तरह से हमें इसे ठंडा करना है। रोटी के आटे जैसा बन गया है। इसे मैं अब निकाल के एक थाली के ऊपर, अगर फॉइल नहीं है तो इस तरह से केवल थाली के पीछे हिस्से पर भी आप घी लगा के रख सकते हैं। धीरे धीरे स्पैचुला की मदद से इसे चौड़ा कर लीजिए। बहुत आसानी से बेल भी जाता है, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कटोरी है उसके पीछे हिस्से से भी आप इसे इस तरह से एक समान कर लीजिए। हम इस तरह से बेल लेते थाली को घुमा के। रुमाल इसके लिए रखा है, थाली प्लेटफॉर्म पे इधर उधर दौड़ रही है उसे सेट करने के लिए। इसकी थिकनेस आप खुद डिसाइड कीजिए आपको कैसी पसंद है। फिर इसे चारों कोनों को आप इस तरह से एक लेवल में कर लीजिए, इसी को दबा के, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। हजार का लुक चाहिए तो इस तरह वरा खाती है तो आप लगा सकते हैं। देखिए मैं बच्चों के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, ऐसे ही इसे प्लेन रहने दूंगी। लंबे पीसेस कर लेते हैं, फिर आपको जैसे पसंद हो। मेजरमेंट बराबर लें, शक्कर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए थिकनेस आप अपने अनुसार लीजिएगा। आप फर्क लगाएंगे तो एकदम आपको बाजार जैसा ही लुक लगेगा। यह मेरी काजू कतरी बनके तैयार है।